हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे फ़िश करी। ये बनाएंगे आज मराठी स्टाइल में। मराठी स्वाद की ये फ़िश करी मैंने मेरी प्रोसेस में बनाया है, मतलब थोड़ा आसान प्रोसेस में बनाया है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगी। चलिए फटाफट देख लेते हैं कैसे बनानी है। मैंने 2 पीस मछली लिया है, ये इसको नाइलोटिका मछली बोलते हैं। इसका पेट थोड़ा सा मोटा होता है और ये देखिए मुंडी है। तो मैंने 2 मछली की मुंडी को 2 अलग अलग तरह से मैंने काटा है। इसका तो काटा नहीं है, इसके अंदर तक बहुत अच्छे से धो लिया। अगर आप इसके इसका जो फिल्टर होता है उसको बहुत अच्छे से धो सकते हैं तो आप इसको रख लीजिए, और अगर आपको कोई भी शक होता है तो ऐसा करके निकाल लीजिए। मैंने एक का निकाल लिया, पूरा फेंक दिया फिल्टर को निकाल के, और एक का रख लिया, अच्छे से धो लिया है। अभी इसको हम हल्दी और नमक मिलाकर रख देंगे। 1 छोटी चम्मच मैंने नमक लिया है, इसको थोड़ा मिला लेंगे मछली के साथ। और इसके साथ लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। इसको भी अच्छे से मिलाकर इसको रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। हल्दी और नमक मछली के हर कोने तक पहुंचना चाहिए। ये देखिए मेरा हो चुका है, अभी इसको हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने फ्राई पैन बिठाया है, इंडक्शन पर हीट चालू कर दिया। फ्राई पैन को बहुत ज़्यादा गर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा यह जो फ्राई पैन है ये नॉन स्टिक का नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हम गर्म करेंगे, उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। इतना गर्म फ्राई पैन में हम तेल डालेंगे, लेकिन तेल डालने के बाद संग संग हम मछली नहीं डालेंगे, क्योंकि इतना गर्म तेल में हम अगर कुछ डाल देंगे तो वो बिल्कुल जल जाएगा। इसलिए हीट को ऑफ करके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसमें मछली ऐड करेंगे। लेकिन मैं तेल डालने के लिए, तेल को ठंडा होने के लिए हीट को बंद किया था और कैमरा भी ऑफ किया था, तो बाद में कैमरा चालू करना ही भूल गई और मैंने मछली डाल लिया जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इसलिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करें। तो अभी इसके बाद से आप देखिए ये मछली मैंने पलट दिया है, लेकिन ये बिल्कुल भी नीचे से चिपका नहीं है, एक भी मछली टूटी हुई नहीं है, आप देख सकते हैं। अभी दूसरी साइड भी अच्छे से कुक हो चुका है और अच्छा से लाल कलर आ चुका है, मैं इसको भी पलट दे रही हूँ। ऐसा करके पलट के उल्टा साइड, मतलब दोनों साइड ही अच्छे से जब फ्राई हो जाएगा, अच्छा सा लाल कलर आ जाएगा, तब हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि दूसरा साइड भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। ऐसा करके दोनों साइड अच्छे से फ्राई करके हम इनको निकाल लेंगे। दोनों साइड बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी हम इनको निकाल ले रहे हैं। निकाल के ले लेंगे एक प्लेट में, और इसी पैन में हम बाकी जो भी मछली बची हुई है वो भी हम फ्राई कर लेंगे। ये जितना भी लगा हुआ है ये अच्छे से निकाल लेंगे, ताकि बाकी जो हम डालेंगे वो नीचे से चिपके ना। एक पीस मछली बची थी और 2 पीस मुंडी, इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। पहले प्रोसेस में ही अच्छे से फ्राई करेंगे। एक्चुअली ये मुंडी है तो सिर्फ 2 साइड फ्राई करने से ये अच्छे से फ्राइड दिखती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा सीधा करके, उल्टा करके और साइड चेंज करके ऐसा करके करना पड़ता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा करती हूँ मैं। इतना भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अभी हम इनको भी निकाल ले रहे हैं। ये देखिए मैंने सारा एक प्लेट में निकाल लिया है। अभी इसी फ्राई पैन में हम मसाला भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मुट्ठी भर मैंने धनिया लिया है, साबुत धनिया। धनिया को थोड़ा सा चला लेते हैं। तेल पहले से ही गर्म था, कढ़ाई गर्म है तो ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। धनिया हल्का सा फ्राई होने के बाद हम डाल देंगे सूखा खोबरा, मतलब सूखा नारियल। मैंने 1/4 कप जितना रखा था स्लाइसेस में काट के, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। और यहाँ पर 18 से 20 कलियाँ लहसुन है, छोटी छोटी कलियाँ है। अगर आप बड़े बड़े कलियाँ लेते हैं तो थोड़ा कम भी लेंगे तो भी चलेगा। फ्राई कर लेना है अच्छा सा कलर आने तक, हीट मीडियम पर है। आप देख सकते हैं अच्छा सा लाल लाल कलर आ चुका है, अभी हम इनको निकाल के ले लेंगे एक प्लेट में।
और इसी कढ़ाई में हम और थोड़ा सा तेल डाल देंगे और तेल में हम डाल देंगे प्याज। ये देखिए मैंने दो बड़े साइज़ का प्याज लिया है, बहुत बड़ा साइज़ है, तो अगर आप मीडियम साइज़ का लेते हैं लगभग 4-5 प्याज लग जाएंगे। प्याज को थोड़ा छुड़ा लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे, इसलिए करेंगे कि प्याज जल्दी अपना पानी छोड़ दे और जल्दी भून जाए, इसलिए चलाते हुए भून लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज का कलर काफ़ी ब्राउन हो चुका है, अभी हम इनको भी निकाल ले रहे हैं। बहुत अच्छे से फ्राई नहीं करना है, ये देखिए मसालों को थोड़ा ठंडा होने देना है, उसके बाद हम इनको पीस लेंगे। मसाला ठंडा होने के बाद मैंने डाल लिया है एक मिक्सर जार में, बड़ा वाला मिक्सर जार लिया है मैंने, और इसके साथ डालेंगे थोड़ा टमाटर। यहाँ पर दो मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने काट लिया है, बारीक भी काटे और रफली भी काटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको हम पीस लेंगे। आप देख सकते हैं मसालों को मैंने पीस लिया है और पीसते टाइम मैंने थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया है, बहुत थोड़ा सा। अभी चलिए हम कढ़ाई बिठा लेते हैं, हीट ऑलरेडी चालू कर दिया है मैंने और तेल डाल रहे हैं। तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमेशा ही मैं बोलती हूँ, इसका कोई ऐसा नहीं है कि इतना ही डालना है, 2 चम्मच 3 चम्मच ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी कुकिंग ऑयल डालिए और तेल अपनी पसंद से कम ज़्यादा करिए। तेल गर्म हो जाने के बाद मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून जीरे और 1 पिंच जितना हींग। जीरा अच्छे से चटक जाने के बाद हम डालेंगे ये मसाले जो हमने पीस कर रखा था, पूरा मसाला हम डाल देंगे और मिक्सर जार को धोकर थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। वैसे भी मसालों में पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है और वेस्ट भी नहीं होगा मिक्सर जार को धोकर डालेंगे तो, इसलिए मिक्सर जार को धोकर थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा चला लेते हैं। उसके बाद हम इसके साथ साथ थोड़ा सा सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसालों में ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, 1/2 टीस्पून जितना मैंने हल्दी डाला है और स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद के हिसाब से डालें, जितना आप तीखा चाहते हैं उतना ही डालें, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म मसाला, यह घर पर बना शाही गर्म मसाला है। रेसिपी का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मल गर्म मसाला यूज़ करना हो तो आप 1 छोटी चम्मच कीजिएगा। ढक ढक कर तब तक पकाएंगे जब तक कि मसालों के ऊपर से अच्छे से तेल नहीं दिखने लग जाता और मसाले अच्छे से पक नहीं जाता। आप देख सकते हैं ऊपर से तेल दिख रहा है, तेल का कलर उतना लाल नहीं हुआ है क्योंकि हमने बाद में डाला है रेड चिल्ली पाउडर, शुरू में डालते तक तेल का कलर भी बहुत अच्छा लाल हो जाता। तो मसाला अच्छे से पक चुका है, अभी हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। पानी अपने हिसाब से डालें, जितनी पतली आप ग्रेवी चाहते हैं उसके हिसाब से आप पानी डाल लें। मैंने भी अपने हिसाब से पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि जल्दी जल्दी अच्छा सा उबाल आ जाए। एक्चुअली मेरे किचन में फ़ैन लगा हुआ है इसीलिए मैं ढक देती हूँ तो जल्दी जल्दी उबाल आ जाता है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है, अभी हम इसके अंदर मछली डाल देंगे। जो मछली हमने फ्राई करके रखा था वो मछली यहाँ पर हम डाल देंगे। मछली डालने के बाद हमें ज़्यादा हिलाना नहीं है, बहुत संभाल संभाल के धीरे धीरे से हिलाना है। और क्योंकि इसमें हमने मुंडी डाला है तो मुंडी फ्राई करते समय अच्छे से पका है कि नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं है। पानी में हमें इसको बहुत अच्छे से उबालना है, इसीलिए हम थोड़ा सा ढक देंगे। ढक ढक कर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे और इतने टाइम में मछली की जो मुंडी है बहुत अच्छे से कुक हो जाती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो मैं थोड़ा साइड चेंज कर दे रही हूँ और फिर से एक बार ढक दूँगी। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाया था और अभी फिर से 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद ढक्कन हटाएंगे तो हमारी जो करी है फिश करी ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, हमारी मनपसंद की हो चुकी है। ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, बहुत संभाल संभाल के हिलाएंगे। मुंडी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। एक बार नमक चेक कर लेंगे और अगर लगता है तो हम थोड़ा सा डाल लेंगे। सब कुछ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है।
अभी निकालने से पहले मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ, शाही गरम मसाला ही है, बिल्कुल एक चुटकी जितनी गरम मसाला डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि गरम मसाले की बहुत ही ताज़ी खुशबू आएगी। हमने पहले डाला था गरम मसाला, वो भी कम डाला था, इसीलिए लास्ट में बहुत ही थोड़ा सा डाला है। इससे फिश करी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। और एक काम करेंगे, हम थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे। मेरे पास बिल्कुल भी ज़्यादा हरा धनिया नहीं है, दो तीन पत्ते हैं, मतलब दो तीन पौधे थे तो उतना ही मैंने डाल दिया है। और लॉकडाउन का बाज़ार है, कुछ भी मिलता नहीं है, तो इसीलिए ये बहुत ही महंगा मिला है, थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, मैंने प्लेट में निकाला है, कितना बढ़िया दिख रहा है, दिखने में बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बना है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे। बाय बाय।